कल्चर को अगर परिचय देना है कि हाँ ये बिहार की परिचय का एक हिस्सा है या यूपी की परिचय का एक हिस्सा है, उसमें हम आर्टिस्ट में जो भी खामी है, जो भी पॉजिटिविटी है, वो उसको तो लेके चलना ही है, उसको भी ठीक करना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ज़रूर बहुत ही स्ट्रांगली आगे आना चाहिए। जो भी टैक्स फ्री करने की बात चल रही है या भी जिस तरह से भी एक सपोर्ट मिलने की बात हो इंडस्ट्री को, उस पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक एक टीम वर्क की तरह है ये, और सब लोग अगर इसमें हिस्सा लेंगे, और गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर होता है इस बारे में, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स और भी आए, इस तरह की दिशा इस एंगल को लेके सोचना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे लिए तो कम्प्लीटली एक नया दुनिया था मेरे सामने, भाषा से लेके और छोटी छोटी बात में, जैसे छठ में यहाँ से सिंदूर डालना, और शूटिंग में मैं बहुत खुश होती थी, मुझे श्रृंगार करने का मौका मिलता था, अलग अलग सॉन्ग्स में अलग कलर की लहंगा चली, छोटी छोटी बात में बोल रही हूँ, मांग टीका लेके मैं बहुत खुश थी, देवी गीत में माँ की आप भजन गा रहे हो, लेकिन बहुत ही खुश होके पॉजिटिव एक एनर्जी रिफ्लेक्ट करता हुआ देवी गीत। तब मेरी जो ऑब्जर्वेशन तब थी, मैंने देखा बहुत जगह पे गाड़ी के पीछे भी ना बहुत लोग डायमंड्स सम सम सम, जैसे होता है ना कि प्लस सीन एक होता है डॉक्टर, तो ब्रैकेट में लिखा होता है गायक, सो मैंने भी देखा था, और मुझे बहुत ही इनोसेंस पे प्यार आया, वो एक इनोसेंस है एक्चुअली, उस पर प्यार आया, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी भी आई। पहले फिल्म से सुपरस्टार कहलाना या फिर शायद ही अपने ही ढोल पिटने या फेसबुक की बात है ये, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब खासकर अगर भोजपुरी हमारे जो बेल्ट जो फेसबुक में डिस्कशंस होते हैं, मैक्सिमम मैंने जो भी ऑब्जर्व किया इसी तरह की बात होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिव वे में कुछ भी नहीं, प्रोडक्टिव वे में कुछ करके मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं बोलूं, दूसरे मुझे बोले कि आप सुपरस्टार हो हमारी भोजपुरी की, उसमें मज़ा ज़्यादा है। सुपरस्टार मतलब क्या है ये मैं बहुत नहीं, सच बोलूं तो मैं बहुत समझ नहीं पा रही आपको अभी जवाब देने के लिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल बंदा एक होना होगा, एक जहाज के जैसे कैप्टन है ना, कोई भी तूफान आया है उसमें वो कैप्टन क्या बोलेगा मुझे फॉलो करना है, और मैं बहुत ही ट्रस्ट लेके, बहुत ही विश्वास लेके उस कैप्टन को मैं फॉलो करूँ, वो होगा सुपरस्टार। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नाम अभी है, तो सुपरस्टार है मेरे हिसाब से भिखारी ठाकुर है, या आप अगर वीर कुंवर की बात करते हो वो लोग सुपरस्टार है, लेकिन वो हिस्ट्री है। प्रेजेंट सिचुएशन में वैसे ही भिखारी ठाकुर को वापस जगाना होगा, वापस वीर कुंवर को लाना होगा, और सिर्फ मैं जैसे कैमरा के सामने अभी बोल रही हूँ ऐसे बोलने से भी नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करना होगा। सो मुझे लगता है 2% मैं अपनी तरह से कोशिश कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, और 10 लोग अगर आए तो सुपरस्टार भी दिखेगा एक दिन भोजपुरी में। जहाँ तक लिरिक्स की बात है तो मुझे कुछ लिरिक्स एकदम याद नहीं आता है, बहुत सारा गीत है जो मुझे पसंद आता है, अलग अलग भाषाओं में सब मिलके तो 9000 गीत मैं करीब गा चुकी हूँ 25 लैंग्वेजेस में, उसमें तो मैक्सिमम 6-7000 भोजपुरी का ही है। ऑफकोर्स मैं पर्सनली देवी गीत को पचरा बहुत पसंद करती हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगा भोजपुरी फिल्मों में, हाँ फिल्मों में भी एक दो चलत मुसाफिर मोलियोरे में ही एक ऐसा पचरा देवी गीत है, अगर आप देखोगे पचरा, जैसे मुझे पता नहीं था कि जहाँ चिकन पॉक्स मिजल्स एक बीमारी की तरह लोग लेते हैं हमारे कल्चर में, उसको ये एक बखान दिया गया है कि माता रानी आई है आपके घर में, आपके देह पे वो दिखाई देती है। सो इस तरह का जो एक आध्यात्मिक एंड स्पिरिचुअलिज्म को म्यूजिक में लेके आना, एक भजन बना देना अलग बात होता है, और ये मान्यता लेके भजन बनाना अलग बात होता है। सो मुझे कई बार उस शक्ति को मैंने माइक्रोफोन के सामने मैंने महसूस किया है, ये गाते गाते महसूस किया है मैंने, और उस एक आर्टिस्ट बहुत खुश होता है उस क्षण, एक या दो सेकंड का होता है, ऐसा लगता है कि मैं ऊपर वाले से मिल गई, दो क्षण के लिए कुछ हो गया, उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। तो ऐसे तमाम गीत, जैसे मैंने कई बार इंटरव्यू में बोला है कि मैं आसाम की हूँ, लेकिन माँ कामाख्या एक शक्तिपीठ है और बहुत ही सिद्ध पीठ है, लास्ट में उधर ही जाना पड़ता है सिद्ध प्राप्ति के लिए, मुझे एकदम आसाम में रहते हुए इसका वैल्यू एकदम पता नहीं था, सही बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। भोजपुरी संगीत में आने के बाद 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ये तमाम बातें, एक जो होता है ना गाते गाते आप इनहेरेंटली चेंज होना, अंदर से एक व्यक्तित्व का जो एक आप चेंज होते जा रहे हो, आप बहुत एक ज्ञान चक्षु का खोलना, ये भोजपुरी संगीत की देन है मेरे लिए। मुझे लगता है डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल पार्ट इज द मोस्ट
स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री. जी नहीं, मैंने उनको उनके हिंदी गीत तो मैं काफी सुनी हूँ बचपन से, लेकिन भोजपुरी गाते हुए मैंने कभी उनको नहीं सुना. एसएमएस फिल्म में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने शायद मन्ना डे के साथ एक भोजपुरी नुमा, एक कव्वाली एंड भोजपुरी नुमा गीत को उन्होंने अप्लाई किया था एक फिल्म में. उस गीत को मैं सुनी थी और बहुत पसंद करती हूँ मैं उस गीत को. एसएमएस एंड भोजपुरी मिक्स काइंड ऑफ सॉन्ग है. बाकी मैंने लता जी आशा जी का भोजपुरी गीत मैंने नहीं सुना था. भोजपुरी गाने के बाद मैं आपको सुनी हूँ, पहले नहीं सुना था. फिल्म की अगर बात करूँ तो मुझे थोड़ा प्रेरित करने की अगर बात हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा. लेकिन देखिए, बहुत बात तो ऐसा सवाल अगर होता है ना, बहुत मेमोरी शार्प होना चाहिए कि पहले क्या क्या गा के आई मैं, याद भी नहीं है. अभी हाल फिलहाल की अगर बात करूँ, मैंने जैसे बोला प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, उसके एक दो गीत मुझे बहुत प्रेरित किया. जैसे रेलिया वाले जो एक गाना है, उसमें जिस तरह से ग्रुप वायलेंस को, ड्रामा को जिस तरह से एनहेंस किया गया, ये हो गया क्रिएटिव पार्ट. वो रचना करते हुए हम लोगों को ये पता नहीं था कि आगे ये चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप होगा हिट होगा, लेकिन गीत का ये मांग था कि जो ग्रुप वायलेंस है उसको, हीरोइन का जो मतलब पाल्पिटेशन है, कुछ एक टेंस सिचुएशन है और वो बेचैनी है, बहुत बहुत बेचैनी है, क्या होगा क्या होगा.